चलो वर्किंग मॉडल बना ले से यूज किया है एक कार्डबोर्ड उस पर चार्ट लगाया है इस पर मैं कुछ नाउंस लिखे हैं एक सर्कल बोर्ड यूज किया है एक ऊपर भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं एक थर्ड सर्कल लिया है ते एक स्टेंसिल बनाया है ये तीन कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं इस ऊपर एक स्टेंसिल रख के इसे एक वर्किंग मॉडल तैयार करेंगे मेरी कोशिश है कि इसे इसमें एक रिवर्सिबल मॉडल बनाइए एक सर्कल मैं इस तरफ यूज करांगी ते इस ऊपर इसे कुछ अलग टॉपिक लेके बना सकते हैं तो मैं इसे इस तरह तैयार कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चरणजीत कौर, ATT टीचर फ्रॉम स्मार्ट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दशोपुर। अज की ऑनलाइन स्टडी दे विच मेरा अज का टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन असी इस वर्किंग मॉडल की हेल्प के नाल करांगे। इस विच असी सिखांगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस वर्ड जो है यूज किया जाता है किसी भी नियर ऑब्जेक्ट के लिए, जिवें कि दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ साड़ी, दिस इज अ शर्ट, दिस इज अ डक, दिस इज अ वैन, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेंसिल। दिस दे नाल स्टूडेंट्स ऐसे यूज करांगे हुण माय। दिस इज माय हैट, दिस इज माय चेयर, दिस इज माय टेबल, दिस इज माय रूम, दिस इज माय काइट। हुण स्टूडेंट्स दिस दे नाल ऐसे आर द यूज करांगे। दिस इज आर पर्स, दिस इज आर स्कूल, दिस इज आर ऑफिस, दिस इज आर बॉक्स, दिस इज आर डक। इसी तरह दिस दे नाल ऐसी हिज दा यूज करांगे। दिस इज हिज बैग, दिस इज हिज एप्पल। हुण बच्चे दिस दी जगह ते दैट दा यूज करांगे। दैट दे नाल भी ऐसी हिज यूज करांगे, दैट इज हिज एप्पल। दैट दे नाल फिर योर द यूज करांगे, दैट इज योर टेबल, दैट इज योर रूम। दैट दे नाल असी हर द यूज करांगे, दैट इज हर गन, दैट इज हर हाउस, दैट इज हर साइकिल। दैट दे नाल ही असी ए दा यूज करांगे। इसी तरह दैट दे नाल असी माई दा भी यूज कर सकते हाँ। दैट इज माई डक, दैट इज माई वैन। हुण बच्चो इस तरह बच्चो असी दिस और दैट तो बहुत सारे जेड़े सेंटेंसेस ईजी ईजी सेंटेंसेस जेड़े है बना सकते हाँ। हुण इसे मॉडल दी हेल्प दे नाल जो कि रिवर्सिबल मॉडल है ऐसी बहुत ही इजी होर भी बहुत सारे सेंटेंसेस जड़े बनावांगे जिसे विच ऐसी यूज करांगे इज एम आर दा। इज दी वरतों किथे हुंदी है, आर दी वरतों किथे हुंदी है ते एम दी वरतों किथे हुंदी है। आई दे नाल बच्चो हमेशा ऐसी एम यूज करदे हां, जिवें कि आई एम ड्राइविंग, आई एम टीचिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम क्रॉलिंग, आई एम स्किपिंग, आई एम क्राइंग, आई एम लाफिंग, आई एम पेंटिंग। बच्चो इसी तरह हुण वी दे थ्री बच्चो इस प्रोजेक्ट नू बनाने का एक मकसद ये भी है कि इस नाल तुहाडी जिहड़ी पढ़ाई है वह बिल्कुल भी बोरिंग ना होए ते तुसी इस नू खेलते खेलते गेम गेम समझ के ही पढ़ते भी जाओ ते खेलते भी जाओ ते खूब एंजॉय भी करते जाओ। थैंक यू।